हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बिहार के गया जिले के बागेश्वरी रोड स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शिक्षण संस्थान में पर्यावरण दिवस के अवसर पर संस्था में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच पक्षियों को दाना पानी देने के लिए एक मिट्टी का सकोरा उपहार में दिया गया। संस्था के अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पक्षियों के बिना पर्यावरण की कल्पना करना सही नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखने में पेड़ पौधे के साथ ही पक्षियों की अहम भूमिका होती है। आए दिन कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है। गर्मियों का मौसम पक्षियों के लिए काफ़ी कष्टदायक होता है, उन्हें बचाने के लिए सभी को थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। कम से कम एक सकोरा पानी भरकर अपने घर के छत पर रख दें तो बहुत सी पक्षियों की जान हम बचा सकते हैं। उपयुक्त सारे समस्याओं को देखते हुए संस्था के छात्र छात्राओं के बीच सकोरा का वितरण किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने प्रतिदिन सकोरा में पानी डालने का संकल्प लिया। इस मौके पर संस्था के प्रधानाध्यापक शुभम कुमार, अजय कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, जितेंद्र कुमार, निरंजन कुमार, विश्वजीत कुमार, कुमारी प्रियंका, ज्योति कुमारी, तनु कुमारी आदि छात्र छात्राओं के सदस्य उपस्थित थे। आप जानते हैं आज 5 जून है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्थान द्वारा पक्षियों के लिए सकोरा का वितरण किया गया है, जिसमें पक्षियों के लिए पानी व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पेड़ पौधे के अलावा जो पक्षियां हैं वो भी हमारे वातावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब वातावरण को शुद्ध रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्थान में पक्षियों के लिए सकोरा का वितरण किया गया है।